अच्छा देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। तो पहले फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि ये फंक्शन किस तरह के होते हैं। इन टू फंक्शन हमने डिस्कस किया था, ऑन टू फंक्शन था और वन टू वन फंक्शन था, बाइजेक्टिव फंक्शन डिस्कस किया था। अभी देखिए, हमारे पास एक मैपिंग है, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। अगर यहाँ पे सेट ए में कोई भी नंबर एलिमेंट एक्स है और वो मैप कर रहा है सेट बी के किसी नंबर वाई से, चाहिए मैप कर रहा है, और इनके दरमियान जो मैपिंग है उसको हम एफ कहते हैं, तो जो वाई है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो। यानी डोमेन में जो इमेज जो नंबर है उसका इमेज को डोमेन में आएगा अंडर द मैपिंग एफ, तो इसको हम कहते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये होता है हमेशा डोमेन ऑफ फंक्शन और ये होता है को डोमेन। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, हमने एक्स से वाई तक एक मैपिंग, ए से बी तक एक मैपिंग डिफाइन की एफ। तो जब इस मैपिंग में फंक्शन एफ अप्लाई हो रहा है तो जो इमेज है रहे। अच्छा, तो जब फंक्शन एफ अप्लाई हो रहा है तो जो डोमेन है वो क्या बन रहा है, वो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। इसी तरह एक और फंक्शन है सी, यहाँ पे एक और एलिमेंट है, चलो इसको हम नाम देते हैं जेड। तो अब क्या करता है, यहाँ पे जो ये डोमेन था ये को डोमेन था और इस फंक्शन का इमेज था ए से बी तक। इस इमेज से सी तक हम एक मैपिंग डिफाइन कर, तो इसको नाम देते हैं जी। तो यहाँ पे देखें, ए से बी तक जब हमने मैपिंग अप्लाई किया एफ, तो जो पॉइंट एक्स ए से बी तक मैप कर रहा था वो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन रहा था। सही है, यहाँ से आप क्या कर रहा है, यहाँ से जो वाई है वो मैप कर रहा है जेड के साथ, तो वाई जेड के साथ मैप कर रहा है, तो हम इस जेड को लिख सकते हैं जी ऑफ वाई, क्योंकि वाई यहाँ पे देखे एक्स जो है वो वाई के साथ मैप कर रहा था अंडर दी विद, और इसमें जो मैप था वो एफ अप्लाई हुआ था, तो हमने वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहा। और इसी तरह जो वाई है वो सी में जेड के साथ मैप हो रहा है, तो इसका और इसमें जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है वो जी है, तो वाई को हमने कहा जी ऑफ वाई। तो अगेन इसमें देखे, इसको हमने वाई को जी ऑफ वाई कहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जो जी ऑफ वाई है, जी इन टू वाई की वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको जी इन टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये डायरेक्ट इस तरह भी हो सकता है कि अगर आप ए से सी तक मैप करना चाहते हैं, ए से सी तक मैप करना चाहते हैं, तो आपने ए से बी तक जाना होगा फिर बी से सी तक। इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और इसको जनरली आप लिखते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। तो यहाँ पे देखना ये कि आप ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से इसमें पहले फंक्शन एफ अप्लाई होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में पहले फंक्शन जी अप्लाई होता है ए से बी तक, तो ये इस तरह की मैपिंग बनती है। जब पहले एफ अप्लाई होता है तो ये इस तरह की मैपिंग बनती है। तो कंपोजिशन को हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं। लेट जी बी आर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक जी कोई फंक्शन है, और एंड ये अपने माइक वो म्यूट कर देना, किसी ने म्यूट पे नहीं लगाया है।
अच्छा जी, जो फंक्शन है वो ए से बी तक एक फंक्शन है, और एफ जो है वो आपके पास बी टू बी एक मैपिंग है। तो हम कंपोजिशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं जी? कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एफ एंड जी डिनोटेड बाय एफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए बाय एफ ऑफ जी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ जी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, इस डिफिनेशन का मतलब यही है कि जो पहले भी मैंने आपको समझाया था कि आपके पास कोई सेट ए है, ये आपके पास सेट ए, और दूसरा सेट जो है वो आपके पास सेट बी है, और एक सेट है आपके पास सेट सी है। अगर यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट को आप यहाँ किसी पॉइंट के साथ मैप करते हैं, तो ये डोमेन होता है और ये इसका को डोमेन होता है, और इसमें जो फंक्शन आप अप्लाई करते हैं वो फंक्शन लेट आपके पास जी है, जी फंक्शन है, जी जो है वो ए पे अप्लाई हुआ है, ए पे अप्लाई किया तो उसका इमेज जो है वो जी ऑफ ए आएगा। अच्छा, क्या होगा अभी जब आप ए पे एक फंक्शन जी अप्लाई करते हैं तो बी में उसका इमेज आएगा, जी ऑफ ए आएगा, और इसी तरह जब आप इस इमेज में क्या करते हैं इसको डोमेन कंसीडर करके सी में एक मैपिंग एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसको आप एफ नाम देते हैं। तो अभी देखिए इस फंक्शन का जो बी है वो सी के लिहाज से इसे डोमेन एक करेगा, तो इसमें जो डोमेन है वो जी ऑफ ए है, इस जी ऑफ ए में जब आप एफ अप्लाई करते हैं तो ये एफ ऑफ जी ऑफ ए होगा, और इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। यहाँ सबसे पहले देखिए आपने एफ अप्लाई करना है, फिर तो सबसे पहले जी अप्लाई करना है, उसके बाद एफ अप्लाई करना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, और जी ऑफ एक्स दिया है आपको एक्स स्क्वायर गिवन है, और आपने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है? पहले आपने जी ऑफ एक्स अप्लाई करना होगा फंक्शन में, तो एफ को ऐसे ही रहने दे और इसमें जी ऑफ एक्स अप्लाई कर दे। जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखे, जी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जो जी ऑफ एक्स है उसकी जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखना है, तो जी ऑफ एक्स आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर, तो अभी ये बन गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं जैसे आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ कि आपके पास कोई फंक्शन कोई सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ये सेट ए में एलिमेंट, और उसके बाद दूसरा सेट बी है, सेट बी में भी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी और सी है, और उसके बाद एक सेट है सेट सी, सेट सी में जो एलिमेंट है वो वन टू एंड थ्री है। तो यहाँ पे देखें जो इमेज यहाँ से
ए से बी तक जो मैपिंग हो रही है उसको नाम दिया है जी, और बी से सी तक जो मैपिंग हो रहा है उसको हमने नाम दिया है एफ। जब ए पे हम फंक्शन जी अप्लाई करते हैं तो ये मैप करता है बी से, ए बी से मैप करता है, और सिमिलरली यहाँ पे जो बी है वो सी से मैप करता है, और सी जो है वो ए से मैप करता है। और ए से बी तक जो फंक्शन हमने अप्लाई किया है वो आपके पास है जी है। तो इसको देखें, यहाँ पे जब आपने ए में फंक्शन अप्लाई किया जी, तो ये जी ऑफ ए होगा, और जी ऑफ ए देखें किससे मैप कर रहा है, जी ऑफ ए बी से मैप कर रहा है, तो जी ऑफ ए इज इक्वल टू बी होगा। यहाँ देखें जी ऑफ ए बी से मैप कर रहा है, इसमें जो आपने फंक्शन जी अप्लाई किया तो जो जी ऑफ ए है वो बी के इक्वल होगा, इसको आप लिख सकते हैं ये जी ऑफ ए के इक्वल है। और इसी तरह देखें, जब आप बी में फंक्शन जी अप्लाई करते हैं तो बी जी अप्लाई किया तो ये जी ऑफ बी होगा, और जी ऑफ बी किसके इक्वल होता है, बी में जब आप जी अप्लाई करते हैं तो ये इसका इमेज सी आ रहा है, ये सी के इक्वल होगा। और इसी तरह सी में आप जी अप्लाई करते हैं तो ये जी ऑफ सी इज इक्वल टू, सी में जब फंक्शन जी अप्लाई करते हैं तो ये ए से मैप करता है, ये ए के इक्वल होगा, सही है। और उसके बाद देखें, अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो एफ है, बी से सी तक जो फंक्शन अप्लाई हो रही है वो एफ है, जब हम ए से ए में फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ए से ए जो है वो थ्री के साथ मैप करता है, और बी जो है वो, ये मैपिंग हमने खुद से प्री डिफाइन की, ठीक है, बी टू के साथ मैप कर रहा है और सी वन के साथ मैप कर रहा है। तो बी से सी तक फंक्शन एफ है, तो यहाँ देखिए जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए में फंक्शन एफ अप्लाई किया तो जो एफ ऑफ ए है वो इज इक्वल टू थ्री बन रहा है, ए से एफ तक ये थ्री जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। और सिमिलरली एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ बी टू के इक्वल होगा, ये टू से मैप कर रहा है, एफ ऑफ सी जब सी में हम एफ अप्लाई करते हैं तो ये वन से मैप कर रहा है, वन के इक्वल होगा। अभी हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में देखिए ये फाइंड किया ए से बी तक, फिर बी से सी तक मैप फाइंड किया, अभी डायरेक्ट ए से सी तक कैसे मैप फाइंड करना होगा, ए से सी तक इसकी मैपिंग फाइंड करने के लिए हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसमें देखें, सबसे पहले जी अप्लाई हो रहा है तो जो कंपोजिशन इसका बन रहा है वो जी ऑफ, इसका कंपोजिशन पहले जी अप्लाई हो रहा है तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, ये इसका कंपोजिशन होगा, पहले जी अप्लाई हो रहा है फिर एफ अप्लाई हो रहा है। अभी हम यहाँ से देखें डायरेक्ट ए से सी तक इसकी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के जरिए। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ए से सी तक मैपिंग करते हैं, ए से सी तक किस तरह, ए से बी तक देखिए हमें पता है यहाँ ए जो है वो बी से मैप करता है, बी सी से मैप करता है, सी ए से मैप करता है, अगेन बी में देखिए बी जो है वो इसमें जब हम फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं तो ए थ्री के साथ मैप कर रहा है, बी टू के साथ मैप कर रहा है और सी थ्री के साथ मैप कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ए से सी तक इसकी मैपिंग क्या होगी, तो ये डिफाइन करने के लिए हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूज करते हैं। तो उसके लिए देखिए वन बाय वन चेक करते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ ए क्या होगा, पहले ए पे चेक करते हैं, ए से सी तक ये इसकी कंपोजिशन क्या होगी, तो ये इक्वल टू होगा एफ ऑफ, अभी देखें जी ऑफ ए क्या है, जी ऑफ ए आपके पास जब ए में आप फंक्शन जी अप्लाई करते हैं तो ये बी के साथ मैप कर रहा है, जी ऑफ ए बी के इक्वल है तो ये बी होगा, सही है। और अगेन देखिए एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी जब बी में आप फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन एफ है तो ये एफ ऑफ बी होगा, तो एफ ऑफ बी जो है वो बी किसके साथ मैप कर रहा है, ये टू के साथ मैप कर रहा है, ये टू के इक्वल होगा। और इसी तरह आपने एफ ऑफ जी ऑफ बी फाइंड करना है, यानी बी ये सेट ए का एलिमेंट बी
सेट सी के किस एलिमेंट से मैप कर रहा है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए अगेन एफ ऑफ जी आप बी किसके साथ मैप कर रहा है, बी में जब आप जी अप्लाई करते हैं तो ये सी के साथ मैप करता है, तो ये सी जी आप बी के इक्वल है, तो जी आप बी की जगह सी लिखें। अगेन जब इसमें मैपिंग एफ अप्लाई करते हैं तो फंक्शन एफ जो है वो बी से सी तक है, तो यहाँ एफ एफ अप्लाई करते हैं सी में, तो सी जो है वो किससे मैप करता है ये फंक्शन एफ करते हैं, तो एफ ऑफ सी वन से मैप करता है, तो ये एफ ऑफ सी इज इक्वल टू वन होगा, ये वन से मैप। और सिमिलरली जब आप कंपोजिशन सी पे अप्लाई करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ सी पे, तो जी ऑफ सी किससे मैप करता है, जब सी में आप फंक्शन जी अप्लाई करते हैं तो ये ए के साथ मैप करता है, तो ये एफ ऑफ ए होगा। अगेन ए में जब एफ अप्लाई करते हैं तो एफ जो है वो बी से सी तक होता है, तो ये थ्री के इक्वल होगा। तो इस तरह आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह एक और एग्जांपल है, एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स जो गिवन दिया है वो 2x+3 दिया है, और जी ऑफ एक्स आपको गिवन दिया है वो है 3x+2 है। अभी आपने फाइंड करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, और फर्स्ट और सेकंड में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। पहले फाइंड करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर दें। तो अभी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है, इधर जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3x+2 के इक्वल, तो हम एफ इंटू जी ऑफ एक्स की जगह 3x+2 लिख सकते हैं। और सिमिलरली देखें जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x+3 है, 2x+3 एफ ऑफ एक्स की है। अब एफ ऑफ एक्स में देखिए एक्स की जगह 3x+2 रिप्लेस हुआ है, ये एक्स की जगह 3x+2 रिप्लेस हुआ है, तो अब क्या करना है एफ में जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह 3x+2 से रिप्लेस करना है। रिप्लेस किया तो जो एफ ऑफ 3x+2 जो है वो 2 × 3x+2 के इक्वल होगा, और ये +3 ऐसे ही आएगा। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये 6x+4+3 होगा। दोबारा अच्छा सही है। अच्छा इसमें मैं बता रहा था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, सही है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यूज गिवन है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो अभी जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है वो इधर पुट करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x+2 है, वो यहाँ पुट कर दें, पुट किया तो ये एफ इंटू 3x+2 के इक्वल होगा, सही है। अभी ये एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स यहाँ देखिए इसमें एफ ऑफ एक्स 2x+3 है, तो ये एफ ऑफ एक्स है। अभी एक्स जो है वो रिप्लेस हुआ है 3x+2 में, इस इक्वेशन में देखिए एक्स किस में रिप्लेस हुआ है 3x+2 में, एफ ऑफ एक्स जो है वो 3x+2 में रिप्लेस हुआ है, तो आप इस इक्वेशन में जो ऊपर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वहां पे एक्स को आपने रिप्लेस करना है 3x+2 में, तो यहाँ जहाँ एक्स है इस इक्वेशन में उसको आपने 3x+2 लिखना है, जैसे एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 था, तो अभी एफ ऑफ 3x+2 क्या होगा, यानी एक्स को हमने रिप्लेस किया है 3x+2 में, तो यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3x+2 लिखना है, तो 2 तो पहले से है और एक्स की जगह आपने लिखना है 3x+2, और जो 3 है वो तो पहले से वहाँ मौजूद थे वो ऐसे ऐसे इट इज लिखना है, बस सिर्फ यहाँ पे एक्स को हमने 3x+2 में रिप्लेस किया है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनाने के लिए। तो ये इक्वल टू होगा 6x+7 के। अच्छा इस तरह से सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आप लोगों ने फाइंड करना है, तो इसको हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए पहले एफ ऑफ एक्स अप्लाई होगा,
ऊपर वाली जो एग्जांपल हमने किया था वो उसमें पहले जी ऑफ एक्स अप्लाई हुआ था, यहाँ पहले एफ ऑफ एक्स अप्लाई होगा। तो इसमें आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है, तो ये जी इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x+3 है। तो अभी आपने फाइंड करना है जी ऑफ 2x+3 फाइंड करना होगा। तो जनरली जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, जी ऑफ एक्स जो है वो 3x+2 था। तो अभी देखिए जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह जो एक्स है वो रिप्लेस हुआ है इसमें 2x+3 में रिप्लेस हुआ है। तो अभी आपने करना है कि जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उसमें 2x+3 को रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक एक्स है, इसको आपने 2x+3 में रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 as it is आएगा और एक्स जो है वो रिप्लेस होगा 2x+3 में और ये +2 आएगा। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6x+9+2 होगा, विच इज इक्वल टू 6x+11 के इक्वल होगा। अच्छा चलो एक और एग्जांपल हम यहाँ से सोल्व करते, इससे क्लियर हो जाएगा आपको मजीद। एफ ऑफ एक्स जो है वो x² + 2x+4 है चले, और जी ऑफ एक्स जो है वो x³+6x है, सही है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है और आपको फाइंड करना है कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है और सेकंड में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले अच्छा अभी आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ अभी जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे, यहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू x³+6। ये कौन बातें कर रहा है, आप म्यूट पे लगा देना अपनी अपना माइक। अच्छा ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो ये जी ऑफ एक्स की जगह आपने ये वैल्यू पुट करना है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू x³+6x है, यहाँ पुट कर दे x³+6x, विच इज इक्वल टू, अभी देखें एफ ऑफ x³+6x है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। तो एफ ऑफ एक्स में एक्स जो है वो रिप्लेस हुआ है x³+6x में, तो ये एक्स रिप्लेस हुआ, तो यहाँ जहाँ एक्स है वो रिप्लेस होगा x³+6 में, एफ ऑफ एक्स में। तो ये भी क्या करना होगा, अभी एफ ऑफ एक्स को आप लिखेंगे कि x³+6x होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x+4 है, तो एक्स जो है वो x³+6x में रिप्लेस हुआ है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो x³+6x स्क्वायर में रिप्लेस होगा +2 × x³+6x होगा, यहाँ भी एक्स जो है वो x³+6x में रिप्लेस हुआ +4 as it is आएगा। और अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दे आइए तो आपके पास आंसर मिल जाएगा रिक्वायर। और इसी तरह देखें जो सेकंड पार्ट है वो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में देखें कि पहले एफ ऑफ एक्स अप्लाई करना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास x² + 2x+4 है, और जी ऑफ एक्स है आपके पास, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³+6x है। तो यहाँ देखिए जो जी ऑफ एक्स है उसमें एक्स जो है वो रिप्लेस हुआ x² + 2x+4 में, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ एक्स है वो रिप्लेस होगा x² + 2x+4 में रिप्लेस होगा, ये x³ भी उसमें रिप्लेस होगा, ये 6x भी इसी में रिप्लेस होगा। तो अभी आप x³ को लिख सकते हैं x² + 2x+4 होल क्यूब प्लस 6 × x² + 2x+4 की फॉर्म में, और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
यहाँ पे ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो हमने क्लियर कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ग्राफ ऑफ फंक्शन डिस्कस करते हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शन, अच्छा ग्राफ देखिए या नहीं, आपके पास एक फंक्शन है कोई एक्स एन इज इक्वल टू एन है, एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग टू एन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से स्टार्ट हो तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ड्रा करके देखें तो इसका ग्राफ बनेगा कि ये हमेशा ओरिजिन होता है, यहाँ पे वैल्यू जीरो जीरो होती है, ये एलॉन्ग ये वाई एक्सिस है, इसको इधर हम एक्स एन रखते हैं, एलॉन्ग एक्स एक्सिस में हम एन रखते हैं एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता, वाई इज इक्वल टू एक्स होता, तो इसका एक कंटिन्यूस ग्राफ होता था इस तरह से, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ यही बन रहा था, ये वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ था। लेकिन जहाँ पे डिस्क्रीट फंक्शन है, जो वैल्यूज हैं वो डिस्क्रीट हैं, तो डिस्क्रीट हैं तो एक्स एन जो है इज इक्वल टू एन है, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है, तो जब आप एक्स वन फाइंड करते हैं तो एक्स वन क्या होगा, एक्स वन इज इक्वल टू 1 होगा, सही। जब एन की जगह 1 पुट करते हैं तो एक्स वन 1 के इक्वल होगा, तो ये आप नंबर पुट कर दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है इस तरह से, तो ये आपके पास एक्स वन होगा, एक्स टू होगा, एक्स थ्री होगा इस तरह से। तो इसका जो ग्राफ है 1 पे 1 एक ही पॉइंट आएगा, 2 पे 2 होगा और 3 पे 3 होगा और 4 पे 4 होगा, इसका डिस्क्रीट ग्राफ बनेगा, ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बनेगा बल्कि डिस्क्रीट ग्राफ बनेगा। और इसी तरह आपके पास इस तरह की वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, जबकि एन बिलोंग करता है जेड से, जेड जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर 0 ± 1 ± 2 इस तरह से होते हैं। तो जनरली आप देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है पैराबोला बनता है इस तरह, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, एन जो है वो आपके पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये अगर आप एन की जगह 0 पुट कर दें तो ये 0 होगा, ओरिजिन पे 0 0 होगा। उसके बाद देखिए अगर आप एन की जगह 1 पुट कर दें, 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे ये होगा 1, 2, 3, 4 इसकी वैल्यू से, ये इसकी वैल्यू से, एलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू लगा दे 1, 2, 3 और ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस -1 -2 एंड -3 इसकी वैल्यू से, तो 0 पे देखें 0 होगा, यहाँ पे जो है वो वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, एन की जगह 0 पुट कर दें वाई भी 0 होगा, एन की जगह 1 पुट कर देना, एन की जगह 1 पुट किया तो अगर एन इज इक्वल टू 1 होगा तो वाई भी आपके पास 1 होगा, यानी 1 पे 1 होगा, अगर एन की जगह आपने -1 पुट किया तो वाई अगेन +1 होगा, तो एन जो है वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको हमने एन कहा, एलॉन्ग वाई एक्सिस वाई ही रखा है, तो -1 रखा तो भी ये 1 होगा, और इसी तरह n इज इक्वल टू 2 रखें तो y जो है वो 4 होगा, 2 पे 4 बन जाएगा और -2 पे -4 बनेगा, और इसका ये ग्राफ है इस तरह से डिस्क्रीट में पॉइंट्स में इसका ग्राफ बन जाएगा, और ये डिस्क्रीट ग्राफ। तो जनरली देखिए जो कंटिन्यूस ग्राफ है वो आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स का क्या बनता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह बनता है, तो ये डिस्क्रीट ग्राफ है, डिस्क्रीट ग्राफ जो है वो पॉइंट्स में आएंगे, इसके बिटवीन जो लाइन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में ग्राफ बनेगा। तो अभी टाइम भी खत्म हो रहा है जूम मीटिंग का, तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं ये लेक्चर, और बाकी नेक्स्ट सिक्वेंस एंड सीरीज जो है वो क्लास में हम डिस्कस करते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, ये वो बुक का पेज नंबर बता दे ताकि आपकी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बता दे इसको। सर ये पेज नंबर तो मुझे, मैं आपको सेंड करता हूँ, आप ग्रुप में शेयर कर देना। ओके सर। ठीक है ठीक है।
ये रिकॉर्डिंग हुई होगी इस लेक्चर के आते वक्त। ये रिकॉर्डिंग में ये भी अब